थी। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची और वहां हुई चुनाव के दौरान हिंसा की पड़ताल की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद और त्रिपुरा के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने पीड़ितों से मिलने की कोशिश की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस गांव में कोई नहीं है, ये वो जगह है जहां बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता आकर बैठते थे, लेकिन वो डर के कारण नहीं आ सकते हैं। विरोध के तौर पर हम यहां पर आए हैं। ममता बनर्जी का ये कैसा शासन है, उन्होंने सवाल पूछा। हम लोगों की तलाश कर रहे हैं, वो कहां है, पूरा गांव खाली हो गया है, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा। संदेश खाली में पहुंचे सेंट्रल फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसमें रविशंकर जी खुद भी मौजूद है। रविशंकर जी संदेश खाली में पहुंचे हैं। रविशंकर जी, पूरा तो आप नॉर्थ बंगाल भी घूमे, साउथ बंगाल भी घूमे, पोस्ट पोल वायलेंस का सिचुएशन क्या है बंगाल में आपका नजर में? आप देख नहीं रहे हैं, आपका नजर में दलित महिलाओं को पीटा जा रहा है, रेप करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को FIR नहीं करती, मकान तोड़ देती है, गरीबों का, मंडल का, दलित का, कौन सी है महिला मुख्यमंत्री है, कौन संविधान की बात करती है? इट इज शॉकिंग, इट इज पेनफुल, एग्नाइजिंग। ये संदेश खाली में आप अभी आए हैं, जो संदेश खाली पहले दिन से, बहुत दिन से चर्चे में है, मगर आज जो तस्वीर दिखाने को मिला कि बहुत सारे लोग संदेश खाली का लोग आप लोगों के सामने आए कंप्लेन दायर किए। संदेश खाली की महिलाओं से, बेटियों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी का है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके चेहरे पर जो मैंने आशा देखी है, मुझे बहुत प्रभावित हुआ। और रेखा पात्रा इज ए पर्सनिफिकेशन ऑफ न्यू वुमन, नो सबमिशन सरेंडर अगेंस्ट ऑपरेशन, दैट इज रेखा पात्रा, एंड देयरफॉर शी गॉट 4 lakh+ वोट्स इन दिस नॉन बीजेपी एरिया। दैट शोड हाउ द वुमेन ऑफ संदेश खाली हैव ड्रिवन ए होप बाय देयर स्ट्रगल अगेंस्ट ए माफिया, हाउएवर पावरफुल ही मे बी, बट द वुमन कैन टेम हिम। पश्चिम बंगाल का पुलिस का जो भूमिका, उसमें क्या कहेंगे? बोलने की जरूरत है क्या? शर्म 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 शेम द गवर्नमेंट एंड द पुलिस बोथ। ही इज अ फॉर्मर DGP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। वी आर वरीड, क्या है कि एक दलित महिला के साथ रेप का प्रयास होता है, एक महिला को आंख से देखना भी गलत है, और आप FIR नहीं करते हैं, उसका स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, वो अस्पताल में पड़ी हुई है। एंड द ग्रेट चीफ मिनिस्टर टॉक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दर्शन ABC ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी अनफॉर्चुनेट। MP बिप्लव कुमार देव जी हम लोगों के साथ है। सर, 3 दिन से तो लगातार आप लोग घूम रहे हैं, पश्चिम बंगाल के हर एक कोना घूम रहे हैं, पोस्ट पोल वायलेंस को देखकर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है पूरा बंगाल में? देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस ऑब्जर्वेशन करार जन्य मैं आसिनी, मानुषेर दुख देखार जन्य एसेछि। एर चाइते गरीब ST बेल्ट आमार मने भारतवर्ष कोथाओ नेई, গরিব নেই। এ দেখুন, আপনি রেসপন্ড করছে, এর চেয়ে গরিব কেউ নেই, জামা কাপড় কোনো কিছু নেই, চোখের জল এখন আসছে, বলছে আপনারা আপ লোক চলে যায়গে, ইয়ে বল রা হ্যায় আপ লোক চলে যায়গে, উসকে বাদ হামারে উপর দোবারা ইয়ে লোক অত্যাচার করেঙ্গে, হামারে মা বহন কে উপর নির্যাতন করেঙ্গে, হামারে ঘর দ্বার তোড় দেতা হ্যায়, চাউল রাঁধ বানা কে রক্ষা হুয়া ভাত বানা কে রাখা খানে কে লিয়ে উসকো উঠান মে ফেঁক কে বর্তন লেকে চলা যাতা হ্যায়। মমতা জি काम तो नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, जिन्होंने मेहनत करके थोड़ा सा चावल बनाया था खाने के लिए, वो भी आपके कैडर के फेंक के चला जाता है। शाहजहान को कितने दिन बाद हम लोगों को, इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई थी कितना टाइम लगा था, कौन आरक्षण दे रहा था, कौन ये शाहजहान के लोग कौन है, ये सब लोग जानते हैं, इन्हीं का आदमी है। और इस तरीके से पूरे बंगाल में उन्होंने जिस तरीके से लोगों का, जो महिलाओं का साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, महिला के साथ, ये सब इलेक्शन के लिए होता है, ऐसा नहीं है, इलेक्शन के कारण से हाईलाइट हुआ है ये सभी समय। संदेश खाली इलेक्शन के समय, इलेक्शन पहले हुआ ऐसा नहीं है, पहले से ही बना हुआ था, पहले से ये लोग ये सब कर रहे थे, कहीं नहीं लोगों ने बताया। अभी मैं कुछ भी गया था, एक SC महिला है, उनके घर में 400 लोग इलेक्शन के बाद गए हैं, जाके घर द्वार सब तोड़ा है, 20 आदमी ने मिल के उनको पूरा वस्त्र निवस्त्र करके उनके चेस्ट के ऊपर बैठा है राखाल नाम के जो तृणमूल का हुआ का स्थानीय कार्यकर्ता है, और उसके बाद उनके साथ रेप किया गया है। 20 आदमी
वहाँ थे, उसमें उस रेप में शामिल थे, किंतु आज तक नियम है भारत के नियम को कानून के हिसाब से कुछ ही व्यक्ति का रेप हो और वो कहीं से महिला के ऊपर शारीरिक अत्याचार हो, वो किसी आसपास के हॉस्पिटल में उनको लेके जाए, हॉस्पिटल वहाँ प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उसको पैसा नहीं लगा, इलाज करेगा, ये संविधान का नियम है। और इलाज करते समय डॉक्टर जब इलाज करता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस एमएलसी करता है और वो रिपोर्ट कोर्ट में जमा करता है। क्या ममता जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आप महिला मुख्यमंत्री एमएलसी हुआ, डॉक्टर ने रिपोर्ट किया, थाने में रिपोर्ट गया, कोर्ट में आया, कुछ नहीं हुआ, उल्टा ममता जी बोलते हैं ऐसा कुछ मेरे घटना हुई नहीं, मैं अभी भी मिशन हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उस महिला उसके परिवार के बच्चे कहाँ है, उसका हस्बैंड कहाँ है, उसका घर का है, कुछ मालूम नहीं, रो रहा था साहब हमको यहाँ से लेकर जाओ, मेरे बच्चे को दिखाओ, अर्तुनाद कर रहा है, किंतु ममता बनर्जी एक महिला है, उनको मालूम नहीं ऐसा घटना हुई है, उनको सब मालूम है क्योंकि इनके प्रायोजित है। मैं पूछता हूँ ममता जी, FIR क्यों नहीं हुआ, अभी तक आसामी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, जिन लोगों ने रेप किया उनको अरेस्ट किस लिए नहीं किया, वो लोग क्यों धमका रहे, अभी भी कैसे घूम सकता है, ये कौन सी देश का कानून बना के रखे आप इस देश में। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जब राज्यपाल के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पुलिस ने रोका, क्या पुलिस ने, पुलिस प्रोएक्टिव हो रहा है इस बारे में? देखिए पुलिस ने रोका है और वो गलत है, हाईकोर्ट ने बता दिया नेक्स्ट डे, तभी उनको दोबारा जाने दिया है, तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं पुलिस गलत है या जो भी हो रहा है। देखिए पुलिस क्या कह रहा है, पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी, जो पुलिस एक्शन लेगा उसको सस्पेंड कर देता है, जो पुलिस जनता को अत्याचार करेगा उसको प्रमोशन कर देता है, तो पुलिस जाएगा कहाँ, पुलिस भी तो जनता ही है। सबसे पहले ममता बनर्जी ठीक हो जाए, उनका एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट सीएम इनका एक स्टेटमेंट आ जाए, एक भी हम लोग आने का कोई जरूरत नहीं है, पूरे बंगाल शांत हो जाएगा, किंतु आज तक उस लेडी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया क्योंकि उनको बलात्कार अच्छा लगता है, महिला के ऊपर अत्याचार अच्छा लगता है, इनको SC ST के ऊपर अत्याचार करे तो उनको नींद आता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से अभी भी दीदी को बोल रहा हूँ, दीदी अभी भी आपको मैं दीदी बोलता हूँ, आप मेरे से बड़ी है, आपने कम्युनिस्ट शासन का अंत किया था इस प्रदेश में 34 साल की, आप उसको याद करिए, आप आके सामने बोलिए एक बार, देखिएगा पूरे बंगाल में किसी का हिम्मत नहीं किसी महिला की तरफ उठ के देखे कि आप महिला है, किंतु आप भूल गए वो चीज, ये ठीक नहीं है, ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। अरे इतने महिला, इतने गरीब लोगों का जो आहा है ना, लोगों को बंदूक से नहीं मारा जाता, आहा से मर जाता है, मैं भारतवासी हूँ, मैं इसको मानता हूँ क्योंकि मैं इस परंपरा में बड़ा हूँ, इन गरीब लोगों का जो आहा है ना, ये कभी भी ममता को सुख नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूँ। अभी भी मैं दीदी को आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, दीदी अभी भी समय है, आप माफी मांग लीजिए इस जनता के पास, और आपके राज्य में ऐसा ना हो आप अपील करिए, देखिएगा उसके बाद ना शाहजहां तैयार होगा ना मामूद तैयार होगा, कुछ नहीं होने वाला है ये इस राज्य में, जो जनता के राज वही चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। MP विप्लव कुमार देव के साथ जैसे कि बातचीत हो रहा था कि ये पूरा पोस्टपोल वायलेंस को लेकर ममता बनर्जी को चाहिए पूरा ये घटना को लेकर माफी मांगने के लिए, और जो जांच का प्रक्रिया, वो जांच का प्रक्रिया भी सही होना चाहिए, ऐसा ही विप्लव कुमार देव का कहना था। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, संदेश खाली।